देश की राजधानी में मर्सिडीज मौत बांट रही है, वो भी ऐसी मौत जिसमें खौफ की इंतहा है तो जीने का मौका देने का कोई अवसर नहीं। मौत बांटती मर्सिडीज की स्पीड इतनी तेज है कि पलक झपकते ही मौत गले लगा ले। देश की राजधानी में मर्सिडीज हिट एंड रन केस में सामने आया है सीसीटीवी वीडियो। एक्सीडेंट का सीसीटीवी वीडियो जारी किया गया है। सोमवार को एक मर्सिडीज कार ने बिजनेसमैन को कुचल दिया था। आश्चर्य की बात है कि कार एक नाबालिग चला रहा था। सीसीटीवी कैमरे में कैद हादसे की तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये तस्वीरें आपको विचलित भी कर सकती हैं। दरअसल उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में सोमवार की रात यह दर्दनाक हादसा हुआ था। एक तेज मर्सिडीज कार ने अपने घर के पास ही सड़क पार कर रहे सिद्धार्थ शर्मा को कुचल दिया था। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि सिद्धार्थ 15 से 20 फीट तक उछल गए। बुरी तरह जख्मी सिद्धार्थ को फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। सिद्धार्थ की जान लेने वाली मर्सिडीज कार पुलिस जब्त कर चुकी है। हादसे के वक्त कार चला रहे नाबालिग को पकड़ा गया है। कार उसके पिता के नाम पर थी, लिहाजा बेटे और पिता के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया, लेकिन बाद में आरोपी नाबालिग को जमानत पर छोड़ दिया गया। कुछ चश्मदीदों ने बताया था कि कार में करीब 8 नाबालिग लड़के सवार थे और हादसे के बाद कार को छोड़कर सभी भाग खड़े हुए थे। हिट एंड रन में जान गंवाने वाले सिद्धार्थ शर्मा एक प्राइवेट कंपनी में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थे। सिद्धार्थ को इंसाफ दिलाने के लिए उनके परिजन सड़क पर उतर आए हैं। करीबी और इलाके के लोग भी इंसाफ की इस मुहिम में शामिल हो गए हैं। सिद्धार्थ के परिजन और पड़ोसियों ने सीएम केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया।